हेलो एंड वेलकम टू डेली एक्सप्रेस। अभीर का सच सामने आने के बाद सबसे बड़ा झटका लगा है आरोही को, क्योंकि मंजरी ने उठाया है बड़ा कदम। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आपको बता दें कि ये रिश्ता में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। बस हर किसी को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो अब होने वाला है, यानी अभिमन्यु और आरोही का रिश्ता। जी हाँ, वह आ चुका है इनका रिश्ता एक डेंजरस मोड पर क्या है पूरी खबर आइए जानते हैं डेली एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में। लेकिन उसके पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आपको बता दें कि जब से मंजरी को पता चला है कि अभीर उसका ही पोता है, तब से मंजरी को एक अलग ही भूत सवार है। पहले तो वो चाहती है कि सबसे पहले अभीर बिरला खानदान में आए, उसके बाद मंजरी का ऐसा मानना है कि उसे अक्षरा को भी सजा देनी होगी उसको अभीर से दूर रखने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सबसे बड़ी सज़ा मिलने वाली है आरोही को, क्योंकि अभिमन्यु ने कर लिया है फैसला कि वो अब नहीं करेगा आरोही से शादी। उसका ऐसा मानना है कि ये शादी गलत होगी, क्योंकि अब अभिमन्यु सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान देना चाहता है। ऐसे में मंजरी ने भी दिया है अभिमन्यु का साथ। मंजरी ने किया है डिसाइड कि वो अक्षरा को तो अभीर से अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक माँ को उसके बेटे से अलग करना मंजरी के लिए हर हाल में गलत है। ऐसे में जब अभीर बिरला खानदान में वापस आएगा, यानी अक्षरा को भी आना पड़ेगा बिरला खानदान में वापस। आपको बता दें कि जब मंजरी जाती है गोयनका फैमिली, वहाँ करती है काफ़ी ज़्यादा तमाशा, और उस तमाशे के दौरान उसके सामने ये सच सामने आ जाता है कि अभिनव अक्षरा के साथ सिर्फ और सिर्फ अभीर के पिता बनकर रहते हैं, अक्षरा के पति नहीं। यानी ये दोनों माँ बाप तो है पर पति पत्नी नहीं। ऐसे में अभिमन्यु को पता चल जाता है कि अक्षरा आज भी उसी के लिए सिंदूर लगाती है और मंगलसूत्र पहनती है। ऐसे में वो आरोही से रिश्ता तोड़ने की बात करता है और मंजरी भी इस बात से सहमत हो जाती है। वो आरोही से कहती है कि आरोही बिरला खानदान में उसका चिराग वापस आएगा, मैं नहीं जानती वो कहाँ कैसे रहा है, किस माहौल में रहा है, लेकिन हमारी सारी लग्जरी अभीर के लिए है और हम अभीर को इस घर में वापस लेकर आएंगे। ऐसे में अक्षरा भी वापस आएगी बिरला खानदान में, फिर तुम्हारे और अभिमन्यु के रिश्ते का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, यानी ये शादी तोड़नी पड़ेगी। वेल दोस्तों, आरोही ने काफ़ी ज़्यादा सपने सजा कर रखे थे अभिमन्यु से शादी के लिए। इतना ही नहीं, रूही भी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगी है अब अभीर की वजह से। तो आपको क्या लगता है, क्या आगे चल के आरोही और रूही सीरियल के विलेन का किरदार निभाने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर से अक्षरा के आने के बाद टूट गया है आरोही का सपना। आपको क्या लगता है, अपने व्यूज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।